हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से ही रिलेटेड है क्योंकि उसके अंडर आएगा ये टॉपिक। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे हमने स्टार्ट किया था इससे पहले से पहले वीडियो में, ठीक है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब उसके अंदर बहुत कुछ आता है। उसके अंदर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आता है, जो हमने इससे पहले वीडियो में किया था, कौन से बच्चे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल नीड्स है। ठीक, हमने वो चीज़ें पढ़ी थी। कईयों को डिसएबिलिटीज हैं, कई कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं। ठीक, तो वो सब जो हमने एक पूरा एक कैटेगराइज करके पढ़ा था, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि इन सब बच्चों को साथ पढ़ाओ। इन सब बच्चों को जिनमें कोई माइनर मे बी लर्निंग डिसएबिलिटीज भी हैं, तो उसको हमें भी एक ही रेगुलर स्कूल में उसको एजुकेशन देनी है, इक्वल एजुकेशन देनी है। ये कहता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, तो अब उसी के अंडर एक टॉपिक हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों में लर्निंग डिसएबिलिटीज कौन कौन सी होती है, किस किस चीज से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो, बहुत ही ये ऐसी चीजें हैं, ये बहुत ही मतलब बहुत ही सेंसिटिव कह लो या क्रिटिकल चीजें हैं, जो मतलब लोगों को इसके बारे में इतना पता भी नहीं है और पता भी है। क्योंकि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स को तो ये चीज़ पता है, बट मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है। क्योंकि वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते कि अगर ये बच्चा कुछ लिख पढ़ नहीं पा रहा या वो बच्चा एक्ट वैसे कर रहा है, तो मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है। वो मतलब फिर एक नाम दे देंगे कि भाई वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। बट ये कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि है तो ये डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अब पहले इस देखो, दो टर्म्स आएंगी, डिसएबिलिटीज एंड डिसऑर्डर। मैं आपको अगर ये चीज समझाऊं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि डिसऑर्डर एंड डिसएबिलिटीज क्या है। देखो, जो डिसऑर्डर है ये हम मेडिकली यूज करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको बोलते हैं भाई इसको ये डिसऑर्डर है, इसको ये, कोई भी डिसऑर्डर कहते हैं, मेडिकल टर्म है। डिसऑर्डर इज अ मेडिकल टर्म। बट ये डिसेबिलिटी है, ये हम बहुत ही कॉमनली इसे कहते हैं कि इसको कोई डिफिकल्टी है, कोई डिसेबिलिटी है, मतलब इसको, ये एक लीगल टर्म आती है ना, ये हम स्कूल्स में यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन में यूज करते हैं कि इसको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, मे बी इसको कोई डिसेबिलिटी है। हम उसको डिसऑर्डर, मतलब वो डिसऑर्डर मेडिकल टर्म आएगी और डिसेबिलिटी एक लीगल है, उस टाइप की टर्म है जो हम स्कूल्स इंस्टीट्यूशन में यूज करते हैं, वो होती है हमारी डिसेबिलिटी। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है इसके अंडर जो आएंगे वो एक डिसऑर्डर्स ही हैं। बच्चों को कुछ ब्रेन में उनके कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है, ऐसी हो रही होती है उनके जो ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शनिंग हो रही होती है ब्रेन की, तो उस हिसाब से बच्चों में कुछ डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक, वो उनकी लर्निंग डिसएबिलिटीज बन जाती है, कुछ जो सही से नहीं काम कर रहा, उनके ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फिर बच्चों को मुश्किल आती है सीखने में, इन्वायरमेंट में, जो सोशल उसके एवरेज ग्रुप है उसके साथ उनको एडजस्ट करने में मुश्किल आती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते। वो फिर थोड़ा बच्चे अलग अलग रहने लग पड़ते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी डिसएबिलिटीज की वजह से। बट ये डिसएबिलिटीज ये आई कहाँ से, डिसऑर्डर से तो आई, डिसऑर्डर हुआ उसको बच्चे को, कोई कोई मेंटल डिसऑर्डर है मान लो, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वहां से, या फिर कोई ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वहां से वो अराइज हुई, तो वो एक डिसएबिलिटी बन गई उस बच्चे की, वो उसकी एक डिसएबिलिटी बन जाती है। ठीक, तो ये है कि जो हम डिसऑर्डर है ये हम मेडिकली यूज करते हैं, मेडिकल टर्म। और ये टॉपिक भी थोड़ा ऐसा ही है, एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा मेडिकल टॉपिक है क्योंकि इसमें डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ब्रेन फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल न्यूरॉन्स, इन सब चीज़ों की बातें हो रही है, तो ये मेडिकल टर्म्स हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा टॉपिक भी वैसा है, तो इसलिए कुछ टर्म्स है आपको, मैं कंफ्यूज आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले क्लियर करने हैं। जैसे एक और चीज़ है, इम्पेयरमेंट क्या होती है। देखो, अगर किसी को कोई डिजीज हुई, मानो किसी को कोई बीमारी हुई, कोई बीमार हुआ, किसी भी चीज़ की बीमारी हुई, इंटरनली कैसे भी उसको कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कोई मान लो उसको डिजीज हुई, तो उसके अंदर एक मतलब मान लो इम्पेयरमेंट, कोई डिजीज का नाम, कोई डिजीज क्या है उसकी, इम्पेयरमेंट हुआ, इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट को कहते हैं कि जैसे कोई ऑर्गन या फिर उसका डैमेज होना या उसका खत्म होना या काम ही नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनिंग हो रही किसी किसकी ऑर्गन की, ठीक है, किसी एक बॉडी ऑर्गन की, ठीक, किसी एक बॉडी पार्ट की, वो इम्पेयरमेंट हो गई। अब जब उसके अंदर इम्पेयरमेंट हो रही है, उसका बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा, लॉस हो रहा है उस चीज़ का, तो उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो डिसेबल्ड है ना उस चीज़ को करने के लिए,
डिसेबिलिटी आ जाएगी, और अगर वो डिसेबल्ड है तो मतलब वो हैंडीकैप भी ऑटोमेटिकली। तो ये टर्म आपस में एक्चुअली रिलेटेड है, ये कुछ अलग नहीं है। कोई एक बीमारी की वजह से अगर कोई उसको कोई इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट का मतलब किसी ऑर्गन का किसी, देखो ये बहुत ही ज्यादा डीप में है बट हम सुनते आ रहे हैं ना कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ये इम्पेयरमेंट मतलब क्या पता उसका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, कुछ भी उसका कोई बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, इम्पेयरमेंट हो गया ठीक। तो उस वजह से उसके अंदर डिसेबिलिटी आई, उस चीज की डिसेबिलिटी बन गई, वो एक चीज उसकी डिसेबल्ड हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। अब वो बच्चा क्या हो गया, वो हैंडीकैप है क्योंकि उसके अंदर वो काम करने की क्षमता नहीं रही। जैसे एक सोशल ग्रुप में, सोशल देखो ये सोशल ग्रुप में ज्यादा इसको रिलेट करते हैं, हैंडीकैप मतलब हम सोशल सोसाइटी के जो आस पास की सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपने आप को, भाई अगर वो ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो अपने आप को वो हैंडीकैप डिसएडवांटेज समझेगा कि भाई मेरी ये उस बंदे की डिसएडवांटेज बन जाती है जो हैंडीकैप है ठीक है। और डिसएबिलिटी मतलब होती है कि जब हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं ठीक, तो किसकी वजह से आ रही है, वो किसी इम्पेयरमेंट की, कोई हमें ऐसे कोई डिसऑर्डर लग गया है, कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई है, कुछ भी बीमारी हो सकती है ठीक है, मेडिकल मेडिकली कोई भी अनफिट कोई बीमारी होगी। तो ये चीज है, ये चीजें हैं, ये समझना है ये क्या होता है इम्पेयरमेंट, क्या होता है किसी ऑर्गन का लॉस होना ठीक है, डिसफंक्शनिंग होना, फिर उसके अंदर डिसेबिलिटी भी होती है, फिर एक वो बच्चे एक हैंडीकैप बच्चा कहला जाता है। तो मतलब ये चीज आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है, क्योंकि एक्चुअली पता क्या चक्कर है इसमें ना, वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जैसे उसके पीछे लगा देंगे हैंडीकैप बच्चा है या फिर इम्पेयरमेंट है उसको, तो फिर ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे टर्म्स है ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली। बट हाँ कि आपका अगर टॉपिक क्लियर करना है तो स्टोरी की तरह तो समझोगे चीजों को, फिर ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये है ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। तो अब मैं आपको एक चीज इसमें पॉइंट बताती हूँ, देखो इम्पेयरमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विद एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। इट इज कंसर्न, किससे कंसर्न है ये, विद एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर जो इम्पेयरमेंट होगी ना, ये स्ट्रक्चर के ऊपर है कि स्ट्रक्चर मतलब कुछ हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी प्रोपोर्शन बॉडी स्ट्रक्चर उस चीज में डिसेबिलिटी, हमारी फंक्शन नहीं हो पा रही। अगर कोई स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात, कोई स्ट्रक्चर बॉडी का काम नहीं कर रहा है तो हमारी फंक्शनिंग भी नहीं हो पाएगी उस हिसाब से, तो वो डिसेबिलिटी उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड है और इम्पेयरमेंट उसके स्ट्रक्चरल से स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ठीक है। स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस एंड विद ऑर्गन और सिस्टम फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी कॉज ठीक है। ऑर्गन कोई अगर काम नहीं कर रहा तो कोई सी किसी भी बॉडी ऑर्गन में, कोई भी बॉडी ऑर्गन ठीक है, हमारा एक सिस्टम है बॉडी पूरी, तो एक ऑर्गन कोई काम नहीं कर रहा तो एक इम्पेयरमेंट आ जाएगी, कुछ किसी चीज का लॉस हो गया, कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा मतलब ठीक है, तो वो एक इम्पेयरमेंट का रूप लेती है ठीक। डिसेबिलिटी इट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयरमेंट, जो वही चीज मैंने समझाई आपको, जो इम्पेयरमेंट है वो डिसेबिलिटी, फिर वो उसकी एक डिसेबल, वो बंदा उस चीज में डिसेबल्ड हो गया, वो एक डिसेबल्ड हो गया ठीक। इट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। सीधी सी बात, ये फंक्शनल है, ये फंक्शन से रिलेटेड है, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर कोई थोड़ा बहुत किसी में गड़बड़ाहट होगी, गड़बड़ गया तो फंक्शन भी उसका, वो फंक्शन भी गड़बड़ हो जाएगा, वही चीज है, ये डिसेबिलिटी आ गया ठीक। एंड एक्टिविटी ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेबिलिटी। हैंडीकैप का मतलब इट इज कंसर्न विद द डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। ये भैया बहुत ही मेडिकल टर्म्स आती हैं, ये बहुत डीप में है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि इतना कुछ पूछेंगे ही नहीं आपको, सीधा सीधा पूछेंगे जो टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज है। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ समझोगे तो आपका कंसेप्ट, मतलब मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आगे हमने जो टर्म्स पढ़नी है वो फिर आपके लिए ईजी रहेंगी समझ के लिए। एक स्टोरी है ना, एक मतलब रिलेशन बनता है फिर कि इम्पेयरमेंट क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, डिसेबिलिटीज क्या है, तो थोड़ा सा इसलिए मेरा टॉपिक थोड़ा साइड इस हिसाब से किया हुआ ठीक। तो हैंडीकैप क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। हैंडीकैप दस रिफ्लेक्ट इंटरेक्शन विद एंड अडेप्टेशन टू इंडिविजुअल्स सराउंडिंग। हैंडीकैप बंदा कब बनेगा, जब वो अपने आप को मतलब डिसएडवांटेज फील करेगा, अपने आप को कम, उसको लगेगा कि भाई मैं, मेरे अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो मतलब मैं सोशल इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा, कर पा रहा अपने आप को, वो एक हैंडीकैप कहलाएगा, वो अपने उसकी वो डिसएबिलिटी या उसकी डिसएडवांटेज है उस इंसान की ठीक। समझ गए, तो ये क्या होती है, ये लर्निंग डिसएबिलिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है कि अब मैं
हम टर्म पढ़ ली आपने कि डिसेबिलिटीज क्या होती है। लर्निंग मतलब सीखना, लर्निंग किसी चीज को सीखना, किसी चीज को सीखने के लिए जो उनकी डिसेबिलिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है वो हमने पढ़ना है आज की वीडियो में। ठीक ठीक है। इट इज एज्यूम दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज मे बी ऑब्जर्व एज अ डिस्टिंक्ट हैंडीकैप कंडीशन इन अ चिल्ड्रन ऑफ एवरेज टू सुपीरियर इंटेलिजेंस। और एक और चीज़ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बच्चा उसका IQ लेस है, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो बच्चा एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है, वो बच्चा अबव एवरेज भी हो सकता है। एक्चुअली उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग कुछ, ब्रेन में कुछ ऐसा कुछ उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, बहुत रीजन्स हो सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत रीजन्स होते हैं, प्री नैटल जब बच्चा एक प्रेगनेंसी टाइम में होता है उस टाइम अगर उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ हो गया हो, या उसकी मदर कोई ड्रग्स यूज करती हो, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी खा ली हो उसने मदर ने, या फिर कुछ उसको मतलब कोई कुछ कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मेजर इश्यू हो गया हो, तो वो सीधा सीधा इफेक्ट करता है बच्चे को। ठीक है। तो बच्चे के क्या पता उस टाइम कोई बर्थ होने से पहले उसको ब्रेन में कोई ऐसी फंक्शनिंग हो चुकी हो, मतलब बर्थ से भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक। प्री नेटल टाइम में भी उसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी जो उसके ब्रेन में जाके उसको मतलब उसको हार्म किया, उस चीज को बच्चे को हार्म किया हुआ। ठीक है। तो ये तो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक। बट कुछ चीजें ऐसी होती है, अब कुछ ऐसे भी है कि IQ जो होते हैं वो मान के चलो कि ऐसे नहीं कि हर बार IQ कम ही हो, कम भी हो सकता है बट एवरेज भी होता है। ठीक है। अब जैसे डिसलेक्सिया है, वो बच्चे को सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बट वो बच्चे का दिमाग तो, अगर उसका IQ में भी कोई चेक करवाए तो क्या पता वो IQ उसका एवरेज ही निकले, जितना एवरेज पॉपुलेशन का IQ है वही निकले। उसका मतलब कुछ एक पार्ट ब्रेन का वो उस तरीके से काम कर रहा है जो एक नॉर्मल इंसान का काम करता है, उस तरीके मतलब उस तरह नहीं कर रहा जैसे एक नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन है वो काम कर रहा है ना, क्या पता उस डिसलेक्सिया वाले बच्चे का उस तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसको शब्द नहीं समझते, उसके आसपास सब घूमता है कि भाई ये हो क्या रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसकी तारे जमीन पर, वो बच्चा भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी से, उसको भी वो उसने सराउंड किया हुआ कि कोई एक डिसेबिलिटी है, उस बच्चे को डिसलेक्सिया है, मान लो डिसलेक्सिया ही है, तो वो शब्द उसके आसपास घूमते हैं, उस देखता है, वो जब एडिशन करता था उसको समझ ही नहीं आता था कि भाई एडिशन कहाँ से करे, नंबर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, कोई एरोप्लेन बना रहा, तो वो समझ नहीं पा रहा बच्चा। तो वो है कि वो कुछ एक पार्ट ब्रेन का उसका नॉर्मल जो बच्चा उसके अकॉर्डिंग उसके तरह नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से। और उसका IQ क्या पता, तो उसका IQ एवरेज ही हो, वो एवरेज भी हो सकता है। ठीक है। IQ वाला काम नहीं है इसमें। तो ये चीज है कि, और लेस भी हो सकता है, वो कोई और कंडीशन हो जाएगी। ठीक। तो इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया, देखो ये एज्यूम है दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज इट मे बी ऑब्जर्व एज अ डिस्टिंक्ट हैंडीकैप कंडीशन इन चिल्ड्रन ऑफ एवरेज, एक एवरेज बच्चे में भी हो सकता है। अब देखो कहीं को अगर कहीं की बॉडी मैं कोई पैरालिसिस हो गया है, अब उसकी पैरालिसिस उसका बॉडी में मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही अच्छे से। ठीक है। लोकोमोशंस नहीं हो पा रही, लोकोमोटर एबिलिटीज नहीं उसकी काम कर रही अच्छे से, बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उसका IQ तो ठीक होगा ना, क्या पता उसका IQ तो ठीक होगा, बस उसका बॉडी, उसकी लेग्स नहीं काम कर रही है, उसका बॉडी नहीं काम कर रही, उसका IQ ठीक है, तो वो किसी भी डिसऑर्डर, ये देखो ना मैंने कहा ना बहुत डीप टर्म्स है, हमें हर एक चीज का फिर कॉज पता करना होगा, उसके सिम्टम्स पता करने होंगे, फिर वो बहुत लंबी लंबी स्टोरी जाएंगे, वो हम मेडिकल की तरफ नहीं जाएंगे, इतना कंफ्यूज नहीं होना हमें, हमें जितना CDP के लिए, सॉरी जितना CTET के लिए जरूरी है हमें उतना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए, उतना नहीं पूछा गया कि कॉज क्या है, ये क्या है। ठीक। बट बेसिक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही, जैसे हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालती है, दोनों ही। हेरिडिटी में उसका जेनेटिक्स भी आ सकते हैं, मे बी उसके जीन्स कुछ ऐसे, उसके जो पेरेंटल जीन्स है कुछ, उसके पेरेंटल कुछ उनको उनको कोई प्रॉब्लम थी, या उनके आसपास किसी को पेरेंट पेरेंट साइड से कोई, उसके अंकल आंट किसी को भी कोई एक प्रॉब्लम निकल रही है, ये डिसऑर्डर निकल रहा है, तो क्या पता वो बच्चे के जीन्स में भी आ गया हो, या फिर कोई प्रीनेटल टाइम पे उस बच्चे की कोई कंडीशन ऐसी रही हो जब वो माँ के पेट में था कि वो बच्चे को वो डिजीज या डिसऑर्डर लग गया है। ठीक है। या कोई बर्थ के टाइम कुछ ऐसा हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। हेरिडिटी मेन है, जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दीज आर द कॉजेज। ठीक है। यही कॉज होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। ये डेवलपमेंट ही तो है, एक ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है ना, कईयों की बिल्कुल ठीक हो रही है, कईयों की थोड़ी सी ऐसे डिसफंक्शन हो रही है, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट हो, किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस कौन से करते हैं फैक्टर, तो वो होंगे हमारे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सिंपल सी बात। ठीक ठीक है। तो ये जो इट इज नॉट, अच्छा ये देखो, इट मे, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, इट मे कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एंड अफेक्ट सेल्फ स्टीम, सोशल रिलेशनशिप एंड डेली लाइफ
एक्टिविटीज बच्चे के ना एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो डिसऑर्डर्स हो गए होते हैं, अब ये नहीं कि ये बिल्कुल अच्छे से क्योर हो ही जाएंगे, ठीक है, बट इनको हम थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को अच्छे से मतलब उसको जो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, वही चीज़ है ना इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, या फिर एक स्पेशल एजुकेशन भी कह लो, वो क्या होती है स्पेशल एजुकेशन में, उस बच्चे को वैसे रिसोर्सेज, वैसे उसको मटीरियल देते हैं, वैसे उसकी हेल्प करते हैं कि उस बच्चे को ओवरकम करवाएं जो उसकी डिसएबिलिटीज हैं, उस पे उसको ओवरकम करके दे, उसको मतलब उसको निकाले, उसको थोड़ी प्रैक्टिस करवाए कि भाई जितनी प्रैक्टिस बच्चा करेगा, और एक और बात ठीक है, जितना अपने नजरिया अगर बच्चे के टूवर्ड्स हमारा चेंज होगा, उन बच्चों के टूवर्ड्स हमारा नजरिया चेंज होगा, तो वो एक्चुअली सेल्फ एस्टीम बच्चे की बनेगी, मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, उसको अगर हम, अगर वो बच्चा समझता तो है कुछ एक फंक्शन का काम ना हो रहा, बट उसका वो बच्चा समझ रहा है कि मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अगर वही उसको निग्लेक्टेड फील करवाया, उस बच्चे को हमने अलग सा रखा हुआ है, आइसोलेट करके रखा हुआ, उसको बोला कि भाई नहीं, पेरेंट्स बोल दे कि भाई नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा, ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, ये हमारा बच्चा ऐसा ये वो, अगर हम उसको ऐसे करें तो उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगी, वही चीज़ बोलिए कि सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगी, सोशल रिलेशनशिप रहेगी, उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटी उसके लिए बहुत मुश्किल होंगी, अगर वही हमारी सोच चेंज होगी, हम उस बच्चे को हमेशा मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको उसकी डिसेबिलिटी से निकालेंगे धीरे 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 धीरे, क्योर नहीं होगी तो क्या हुआ, मैनेज तो करेंगे ना, उसको बाहर तो निकालेंगे ना, वो मैं नहीं कहती कि भाई वो हर एक लाइफ में हर एक चीज के लिए परफेक्ट बनेगा, पर किसी एक चीज के लिए तो बनेगा ना, ठीक, तो वो हमें करना है, वो हमें एज ए ह्यूमन बींग हमें वो चीज करनी है, बच्चों को क्या करना है बहुत अच्छे से उसके ऊपर, उसको मतलब बच्चे को एक्चुअली ये चीज है ना कि बच्चे को जितना वो उसकी सेल्फ एस्टीम जो होती है, हर एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसको हमें नहीं गिराना, तो वो चीज है, ठीक, तो आई होप आपको ये एक कंसेप्ट समझ आ गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, ठीक है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ये कुछ बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटीज आ जाती है, जैसे मैंने बताया इन्फ्लुएंस, ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हेरिडिटी से भी हो सकता है, एनवायरमेंट से भी हो सकता है, तो डिसऑर्डर्स कुछ ब्रेन की डिसफंक्शनिंग से हो सकते हैं, कुछ उसकी ब्रेन अभी डेवलप भी नहीं हो रहा है, तो कुछ पार्ट बॉडी का, एक न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के, ठीक, जो हमारे ब्रेन की सॉरी वो उसकी कुछ डिसफंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है, नर्व्स की, ये सब चीजों से एक मतलब डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं, वो उसकी लर्निंग डिसएबिलिटीज बन के निकलते हैं, ठीक, तो ये चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में क्वेश्चन जिससे आता है, जिस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो हमने पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसी में से, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है, ठीक, फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ दो की तीन है डिसेबिलिटीज, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैंने स्टोरी तो आपको सुना दी, अब आपको ये बताती हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये इनमें से क्वेश्चन, कैलकुलिया, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, डिस्प्रेक्सिया में से भी पूछे जाते हैं, तो ये अब हम समझेंगे ये चीजें हैं क्या, ये है क्या एक्चुअल में, ठीक, तो देखो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया देखो, अब डिसलेक्सिया इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब बच्चे को देखो दो चीजें आएंगी, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें बच्चे को लैंग्वेज मतलब जो सामने सिंबल्स हैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा, देखो कुछ भी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, वो बच्चा वॉज को 100 पढ़ रहा है, ठीक है, उसको अगर हमने 9 बोला तो वो उसको पी देख रहा है, मतलब वो लिख भी वैसे रहा है, वो पढ़ भी वैसे रहा है, ऑब्वियसली बच्चा अगर वो समझ वैसे रहा तो वो लिखेगा भी ना, है तो उसको इसका जो मेन इसको मतलब मेंशन किया हो, वो इसीलिए किया हो कि ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ये आपने याद रखना है, इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, मुश्किल होती है उसको पढ़ने में, किसी चीजें जो उसके सामने लिखी हुई है वो है क्या, जैसे तारे जमीन की एग्जाम्पल बताइए, वो भाई आपस में घूमते हैं, क्या करता था वो बच्चा, एरोप्लेन बना रहा था कि ये एक सिंबल जा रहा है, ये एक नंबर जा रहा है, नंबर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, फिर वो उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, उसके हिसाब से वो एडिशन कर रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा, मतलब नंबर्स ये सब चीजें उसको वो रीड नहीं कर पा रहा, अगर हम ये चीज रीड कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई डिसलेक्सिया लिखा हुआ, उसको ये चीजें समझ नहीं आ पा रही कि आगे पीछे लिख रहा है, कि भाई डिसलेक्सिया या डी को कहीं और पढ़ रहा है, ठीक है, तो
वो बच्चा कह रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको नंबर, वो एक डिसऑर्डर है ना, वो एक डिसऑर्डर है, वो रीडिंग डिसऑर्डर है। तो ये आपने याद रखना, इट इज ए रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को मुश्किल होती है रीडिंग करने में। अगर रीडिंग करने में मुश्किल है तो राइटिंग में भी होगी, बट ये मेन इसका आपने याद रखना, इट इज ए रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक ठीक है। तो इट इम्पैक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। बच्चा कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो समझ भी नहीं पा रहा चीजों को। इट अफेक्ट कनेक्शन ऑफ लेटर्स एंड साउंड ऑफ लेटर्स। देखो जैसे कनेक्शन बनेगा ना एक लेटर्स का, साउंड का, वो समझ नहीं पा रहा बच्चा, क्योंकि देखो वो लेटर्स को नहीं, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि एक कनेक्शन बनता है ना। अगर हम कुछ बोल रहे हैं डिसलेक्सिया, उसका नाम बोला हमने डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अगर वो डिसलेक्सिया वो बच्चे को डी यहाँ पहुंचा रहा है, ए को समझ नहीं आ रहा कि ए कहाँ पहुंचा हुआ, उसका अलग अलग घूम रहे हैं हर जगह, तो वो उसको पढ़ भी नहीं पाएगा अच्छे से, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा अच्छे से, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फिर वो जो फोनिक्स, वो जो साउंड है, हम जो वो जो उसका डिसलेक्सिया का साउंड मान लो, वो उसको उस वर्ड के साथ जोड़ नहीं पाएगा, कनेक्शन नहीं बना पा रहा ना बच्चा। डिसलेक्सिया में बता रहा रीडिंग, पहले तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है, बट इस वजह से कितनी चीजें तो अफेक्ट होंगी। अगर बच्चा रीड नहीं कर पाएगा तो लिख भी नहीं पाएगा, तो बच्चा कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा, कितनी चीजें। तो ये कनेक्शन बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और ये क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। अ पर्सन हैज ट्रबल अंडरस्टैंडिंग रिटन वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स। बच्चे को मुश्किल होती है देखने में कि भाई जो कुछ लिखा है वो है क्या, को समझ नहीं पा रहा, वो सेंटेंसेस को समझ नहीं पा रहा, जो मैंने बताया कि चीजों को सेंटेंस को समझ ही नहीं पाएगा बच्चा, नंबर्स को समझ ही नहीं पाएगा, उसके आसपास घूमेंगे वो चीजें। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक। क्या है ये लर्निंग डिसऑर्डर? आपको आई होप इतना समझ आ चुका कि डिसलेक्सिया है एक, सॉरी, रीडिंग डिसऑर्डर, और ये एक लर्निंग डिसएबिलिटी है, ठीक। सेकेंड इज डिसग्राफिया, ये है हमारा राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर। इस चीज को आपने याद रखना है, जो मैं इतनी सारी स्टोरीज बता रही हूँ वो आप समझने के लिए है, बट मेन आपने ये चीजें याद रखनी है कि डिसलेक्सी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे कि रीडिंग डिसऑर्डर क्या है, तो वो आपने याद ध्यान रखना है, डिस दैट इज डिसलेक्सिया, या फिर कह लो डिसग्राफिया, तो वो एक राइटिंग, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। बच्चा ऐसे मैंने राइटिंग लिखा ना, वो लिख नहीं पा रहा बच्चा, उसको लिखने में मुश्किल आ रही है बच्चे को, ठीक है। होता है कभी बच्चे की मोटर स्किल्स कह लो आप, अच्छे से मतलब वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोटर की बात नहीं करूंगी, बट वो राइटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो राइटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इसमें पुअर हैंड राइटिंग है, इसका क्या ड्रॉबैक आएगा? अगर वो लिख नहीं पा रहा, ऑब्वियसली उसकी पुअर हैंड राइटिंग है। दस इट इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट अ पर्सन लेटर स्पेसिंग, पुअर मोटर मोटर एबिलिटीज, वही चीज, पुअर मोटर एबिलिटीज, उसकी मोटर एबिलिटीज, क्योंकि वो फाइन, हमने दो चीजें पढ़ी है ना, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल हमारी, तो इसमें बट फाइन की कह लो, फाइन की प्रॉब्लम, फाइन की मतलब कह लो कि इसमें मतलब लिख नहीं पा रहा, या कुछ पेंटिंग नहीं कर पा रहा, मतलब वो चीज को ग्रिप नहीं बना पा रहा, ग्राफ को ग्रिप नहीं बना पा रहा, उसको लिखा नहीं जा रहा उससे अच्छे से। तो ये होता है हमारा डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है ना ग्राफ, ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक टू राइट, ग्राफ टू राइट, वही चीज है, राइट मतलब राइटिंग डिसऑर्डर है, और डिसलेक्सिया इज रीडिंग डिसऑर्डर। ये दो चीजें याद रखो, ठीक। दीज पीपल हैज ट्रबल कम्युनिकेटिंग देयर थॉट्स इनटू राइटिंग और ड्राइंग, मतलब वो वही पेंटिंग नहीं कर पाएगा, ड्रॉ नहीं कर पाएगा, कुछ लिख नहीं पाएगा, तो वो अपने उस मतलब रिटन राइटिंग के थ्रू अपने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो होता है हमारा कौन? डिसग्राफिया। ये क्या है? डिसग्राफिया इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है, डिसग्राफिया एंड डिसलेक्सिया दो हमने पढ़े हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक। वही चीज है, देखो ये है एक डिसऑर्डर है, ये मेंटली हो रहा है, ये काम ब्रेन के वजह से डिसऑर्डर आया है, बट हमने इसको, हम तो पढ़ कैसे रहे हैं डिसेबिलिटी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे पूछेंगे ना कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वही चीज है, ये डिसऑर्डर हम मेडिकल टर्म यूज कर रहे हैं, डिसेबिलिटी हम यूज कर रहे हैं, इसे हम यूज करते हैं ऐसे ही नॉर्मली, जैसे हम स्कूल्स में, जैसे हम कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, या लीगल टर्म कह लो आप, ठीक। तो वो चीज है। अब देखो डिसकैलकुलिया बहुत ईजी है, ये तो मैंने क्या लिखा, ओ सॉरी, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशंस। जिस बच्चे को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, देखो यार कैलकुलेशन सीधी सी बात है, मतलब वो बच्चा मैथ्स को नहीं समझ पा रहा, वो बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशन सिंपल एडिशन नहीं कर पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आएंगी, ठीक है। सीधी सी बात है, कैलकुलिया यही है, इंडिविजुअल स्ट्रगल विद मैथ्स कंसेप्ट, मैथ्स कैलकुलेशन, इवन डिफिकल्टी इन
रीडिंग क्लॉक टाइम, मतलब जो टाइम को पढ़ना भी उनके लिए, टाइम को देखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम टाइम क्या हो रहा है उसकी, उसको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ है डिसकैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कह लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बेटा ये टॉपिक्स ऐसे है ना, इसको तो इतना लंबा खींच लो तो, मतलब क्योंकि ये टॉपिक, एक एक टॉपिक ही एक एक डिसऑर्डर बनता है, एक डिसऑर्डर है ये, एक डिसलेक्सिया, एक पूरा डिसऑर्डर है। इसके ऊपर आपको इतने आर्टिकल्स, इतना रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, इतनी बुक्स मिल जाएंगी, बट हम वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये तो इतने लंबे टॉपिक हैं और इसमें तो बहुत कुछ है समझने को, प्रिवेंशन इसके क्या है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके ठीक है चांसेस कितने, तो ये सब चीजें हैं। पर वही कह रही हूँ, शॉर्ट में पढ़ेंगे इजिली समझ आएगा आपको। तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है एक बच्चे को। ठीक, आई होप इतना समझ आ गया है। अब नेक्स्ट इज हमारा डिस्प्रैक्सिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रैक्सिया में से भी क्वेश्चन पूछे हैं। इट इज अ डिसऑर्डर या फिर डिसएबिलिटी विच कॉज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है इसमें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मूवमेंट, हमारे जो बॉडी मूवमेंट है या फिर बॉडीली जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने आप को, जैसे मैं एक अपने हैंड के साथ अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, हम बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है एक बच्चे को, कोऑर्डिनेशन। आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ना, मतलब डिटेल में अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज में, क्योंकि मेडिकल टर्म्स है और मेडिकल डिसऑर्डर्स है, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है आप इसमें डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ो, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें, अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हो तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, और ये इतने से टॉपिक से आपको नहीं आएगी, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़नी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। तो ये टॉपिक्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल एजुकेशन में तो बहुत काम आते हैं, और वैसे तो सीटेट में भी इसमें से क्वेश्चंस काफी बनते हैं और पूछे गए हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, मान लो मैं ब्रश नहीं कर पा रही, मतलब मुझे ब्रश करना है, अब मुझे हैंड या ब्रश करना है, मुझसे ब्रश नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं बच्चों से, छोटे छोटे काम, मतलब जो छोटे मोटे बॉडी हिलानी है, मान लो कुछ पकड़ना ही है, वो ही नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रही बॉडी हमारी अच्छे से, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा बॉडी में। तो डिस्प्रेक्सिया इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, ये इसमें फाइन फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स दोनों में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को। ग्रोस मोटर स्किल में बहुत कुछ आता है, बच्चा खड़ा हो रहा है, वॉक कर रहा है, जंप कर रहा है, या फिर फाइन में वही कुछ काम बारीकी वाले काम कर रहा है जिसमें स्मॉल मसल्स यूज हो रही है, ग्रॉस में लार्ज मसल्स यूज हो रही है, ये हो रहा है, एक बटन शर्ट का बटन बंद करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेन का कैप लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीजें है ना, वो मतलब मसल्स का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, मोटर एबिलिटीज का काम है, तो वो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मसल कंट्रोल्स में डिफिकल्टी होती है। देखो यार, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल मैंने वही बताया कि ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी तरह हो सकते हैं, किसी भी तरह, मतलब कि वो उस बच्चे को क्या पता उसके बर्थ से पहले हो गया हो, ठीक है, प्री नेटल कंडीशन में हो गया हो, कुछ भी हो, जैसे कोई ऐसे रेडिएशंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से, तो वो एक क्या है ये, या फिर इनहेरिट भी हो सकता है। इनहेरिट का मतलब, क्योंकि डिसऑर्डर्स इनहेरिट बहुत होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से भी कुछ चीजें लेते हैं जीन्स में, ये चीजें इनहेरिट भी हो सकती हैं, तो बहुत रीजंस हो सकते हैं इन चीजों के। ठीक है, स्ट्रगल विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यही चीज है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप इतना समझ आ चुका है। ठीक, अब देखो डिसफेजिया, डिसफेजिया सॉरी, डिसफेजिया, ठीक, डिसफेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया, डिसफेजिया, प्रैक्सिया एंड फेजिया, ठीक हो, फेजिया और प्रैक्सिया में कंफ्यूज मत होना। प्रेजिया इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है। डिसफेजिया इज लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। आप सीधा याद रखो, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जैसे मैंने ये चीज समझाई है वैसे आप इसको याद रखना, मतलब बच्चों को लैंग्वेज नहीं, बच्चों को बोला नहीं, बच्चे से बोला नहीं जा रहा, लैंग्वेज उसकी उससे बोला नहीं जा रहा अच्छे से, ठीक है। पीपल विद डिसफेजिया माइट हैव ट्रबल पुटिंग द राइट वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स से, रीड राइट, मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब वही चीज है, उससे वर्ड्स नहीं निकल रहे, वो बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा कि बोलना क्या है, किसी के आगे एक्सप्रेस बात क्या करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली आपस में सब इंटर रिलेटेड है, पर वही चीज है, हमने
यही समझना है कि एक्चुअल में पर्टिकुलर एक इस चीज को बोला क्या गया है। अब डिसफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब होता है कि वो समझा भी नहीं पा रहा, उसको पता नहीं चल रहा मैं क्या बोलूँ किसी के आगे, उसके वर्ड्स नहीं निकल रहे, उसको लैंग्वेज ही नहीं निकल रही उसकी, कोई वो बोला नहीं जा रहा उस बच्चे से अच्छे से। ठीक है, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, ये चीज उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ चुकी है, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है, वो डिसफेज, उसके वर्ड्स नहीं निकल रहे, उसके कोई अच्छे से बात को कर रहा है, उससे बात नहीं हो पा रही उससे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा डिसफेजिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिसमॉर्फिया, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने समझ लिए हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ऑटिज्म भी आएंगे बहुत। देखो आपने डिसऑर्डर्स तो एक लिस्ट होगी, बट जो जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। डिसमॉर्फिया, मॉर्फिज्म, मॉर्फ, देखो ये से आप समझना कि ये डिसमॉर्फिया, इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट मेक बॉडी डिसऑर्डर, कह लो इसको आप, बॉडी बॉडी डिसऑर्डर, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनसे याद हो जाएगा आपको। रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, डिसफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसमॉर्फिया बॉडी डिसऑर्डर, ठीक। अब बॉडी डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि उसकी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, मतलब वो इंसान इसमें कैसा होता है, ये जो डिसमॉर्फिया में इंसान कैसा होता है, इसको हम बॉडी डी डी सॉरी बी डी डी, इसको हम बी डी डी भी कहते हैं, बी बॉडी, इसको हम बी डी डी कहते हैं, बॉडी डिसमॉर्फिक, डिसमॉर्फिया बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, इसे बी डी डी भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर ऐसा होता है, इसमें इंसान को लगता है कि भाई मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ, मेरे जो बॉडी है उसमें कोई कमी है, कमी किसी चीज को भी लेके उसको लग सकती है कि मेरा वेट ज्यादा है, मैं ज्यादा पतली हूँ, या मैं ज्यादा मोटा हूँ, या मैं मेरा मेरा फेस वैसा है, मेरा मतलब उसको अपने आप में कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ एक मेंटल डिसऑर्डर है ना, उसको कुछ एक प्रॉब्लम लगती है कि भी मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो सोशली मिक्स नहीं होता किसी के साथ, अपने आप को अलग रखता है। फिर ये इन चीजों से डिप्रेशन भी तो आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, ठीक। तो ये एक डिसऑर्डर है, ये मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, बी डी डी बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट मेक्स फॉल्टी एंड इनएक्यूरेट परसेप्शन अबाउट योर अपीयरेंस। मतलब ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हमें लगता है कि हमारी, मतलब उस इंसान को जिसको ये प्रॉब्लम है, उसे लगेगा कि भाई मुझ में कोई प्रॉब्लम ही है, वो अपने आप में कमियां ही ढूंढेगा, कि मतलब बार बार देखेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, 4-5 घंटे अपनी बॉडी को ही देखता रहेगा, या फिर कुछ कमियां ढूंढेगा कि भाई मेरे में कुछ कमी है, अलग रहेगा सबसे। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है। और इट इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वन और मोर परसीव्ड डिफेक्ट और फ्लॉज इन हिज अपियरेंस। मतलब जो कुछ वो डिफेक्ट है वो ढूंढेगा अपनी बॉडी में कि मेरे में कोई डिफेक्ट है। अ फ्लॉ दैट अपीयर्स माइनर और कैन नॉट बी सीन बाय अदर, ऐसे फ्लॉज होते हैं जो दूसरों को लगता है कि नहीं है, दूसरा इंसान सोचेगा कि भाई तू ठीक है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसको ये बीडीडी है वो बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस बच्चे उस इंसान को लगेगा मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। मतलब ये ज्यादातर देखो टीनेज टाइम में ये बहुत ज्यादा डिटेक्ट होती है, क्योंकि उस टाइम हम वैसे भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैं कोई कमी है, पर अगला इंसान सोचता होगा कि नहीं तू ठीक है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक। तो वो है कि दूसरे इंसान को नहीं लगता कि उसमें इतनी प्रॉब्लम, बट उस इंसान को जिसको ये बीडीडी है उसे लगेगा, ठीक। तो ही शी मे फील सो एम्बेरस्ड, अशेम्ड एंड एंशियस दैट दे मे अवॉइड सोशल सिचुएशन। मतलब सोशल सिचुएशन को छोड़ने लग पड़ते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाते ही नहीं, अकेलापन आ जाता है उनके अंदर, डिप्रेशन आ जाता है। मोस्ट पीपल हैव हैड ऑन एक्सपीरियंस इन विच दे वर अनहैप्पी विद देयर बॉडी, अपनी बॉडी से खुश ही नहीं रहते हैं वो, नेगेटिव सेल्फ इमेज, अपने ही नेगेटिव सेल्फ इमेज है उनकी। पीपल ऑल्सो, इसीलिए बच्चे क्या, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो ये कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। दिस इज वॉट, दिस इज डिसमॉर्फिया। आई होप आपको समझ आ चुका है डिसमॉर्फिया क्या होता है। एक और है, एक हम और है, ये हम कितने हुए, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, चलो एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। ये आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। अब एक इम्पोर्टेंट और है जो बच्चों में बहुत पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
ADHD, अटेंशन डेफिसिट डेफिसिट हाइपर एक्टिव, ये नाम से आप समझ जाओगे ये डिसऑर्डर क्या है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक। देखो ये ऐसा डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, बच्चे को बच्चे का अटेंशन, दो चीजें, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन तो रहता ही नहीं उस बच्चा, इन अटेंटिव बच्चा है। इसमें बच्चा क्या है, इन अटेंटिव बच्चा, उसको अटेंशन नहीं गेन कर पाता वो किसी का, उसके अंदर मतलब वो बस दौड़ो भागो इधर उधर चलो ये सब काम करते रहो, उसको मतलब एक जगह टिक के नहीं रहना, उसके अंदर अटेंशन नहीं कर पाता वो किसी चीज के लिए, ठहराव नहीं उस बच्चे के अंदर, तो अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन तो है ही नहीं। हाइपर एक्टिव बहुत है बच्चा, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बहुत है वो बच्चा, हाइपर एक्टिव या फिर कह लो इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव नेचर है उस बच्चे का, ठीक है। इन अटेंटिव मतलब अटेंटिव नहीं है वो बच्चा बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये चीज सुनो कि दे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, अटेंशन नहीं है क्योंकि अटेंशन डेफिसिट है, वो चीज है ही नहीं, ठीक। तो दे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, ठीक, उनको बहुत मुश्किल होती है अटेंशन पे करने के लिए, वो चीज मतलब उनको वो टीचर, वो ऐसे बच्चे होंगे जो खुद भी अटेंशन नहीं गेन करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे दूसरों को भी करेंगे, मतलब वो प्रॉब्लम है ना, उनका डिसऑर्डर है, ठीक। तो दे हैव सॉरी दे हैव ट्रबल कंट्रोलिंग इंपल्सिव बिहेवियर, दे मे एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट द रिजल्ट विल बी, और ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिवनेस बहुत है, रिजल्ट नहीं देखते क्या होगा, बट मतलब उनको बिहेव करना है, इंपल्सिव वे में बिहेव करना, उनका बिहेवियर ऐसा बनता है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी मैनेज, ठीक, वो सब में हो, सब में है, वो डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि क्योर मुश्किल होता है इनको करना, बट ये मैनेज हो सकते हैं, टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो सकते हैं, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, न्यूरो डेवलपमेंटल वही चीज है, सॉरी ब्रेन में कुछ ऐसा डेवलपमेंट, कुछ एक पार्ट ऐसा उसका डेवलप कर रहा है कि वो डिसऑर्डर के रूप में निकल के आ रहा है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, फॉरगेट और लूज थिंग्स, बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजें भूल जाते हैं, उनको नहीं पता कि मैंने क्या कहा, स्कूल जाए आएंगे, बुक्स वहीं छोड़ आएंगे, टिफिन बॉक्स छोड़ के आएंगे, तो वो है कि चीजों को भूल जाते हैं, बात बहुत करते हैं, टॉक टू मच, ये इनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही हूँ। दे हैव डिफिकल्टी गेटिंग अलोंग विद अदर्स, दूसरों के साथ उनको मतलब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर ये डिसऑर्डर आ जाता है ना कि अटेंशन, फिर वो हाइपर एक्टिव बच्चे दूसरों को समझ नहीं पाते, वो अपने ही बोलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो वो फिर उनके लिए एक वो कहते हैं एक मतलब ड्रॉबैक निकल के आएगा, ठीक है, इनअटेंटिव है। तो रिसेंट स्टडी सेज जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये तो सब में है कि कुछ हेरिडिटी का भी और कुछ एनवायरनमेंट का भी काम है, हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है इन चीज़ों को और एनवायरनमेंट भी करता है, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, कोई जीन्स के थ्रू मतलब उसको कोई डिसऑर्डर ये मिला है अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंटल साइड से कहीं से भी उसको ये चीज़ मिली है, ठीक है। दे आर सो हार्ड टू कंसनट्रेट, पे अटेंशन, ऑर्गेनाइज एंड फोकस, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनाइज रहना, बहुत ही मुश्किल होता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट है ना, ये ऑर्डर का डिसऑर्डर का नाम ही है, तो बहुत मुश्किल है कंसंट्रेट करना, पेइंग टू पेइंग पे अटेंशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, फोकस करना, कभी भी टाइम पे नहीं होते ये, ठीक है, मतलब टाइम से बाद ही चलेंगे, तो नॉट ऑन टाइम ऑलवेज, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये था हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, आई होप आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स आपने याद रखने हैं एज सच, इनके कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं एज सच, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दिया करो। चलो एक और है, वैसे तो बहुत है, तो ये भी देख लेते हैं, सेलिब्रल पाल्सी, ठीक है। सेलिब्रल पाल्सी मीन्स ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसीज है, ठीक है, ड्यू टू इमेच्योर डेवलपिंग ब्रेन बिफोर बर्थ, प्री नेटल स्टेज की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट मूवमेंट एंड मसल टोन्स और पोस्चर ऑफ अ चाइल्ड अ पर्सन। देखो ये क्या होता है, जब जैसे प्री नेटल स्टेज होती है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम को एक ऐसा डिसऑर्डर बच्चे को लग गया, ठीक, मतलब उस टाइम बच्चा बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, मान लो कि बर्थ से पहले, टाइम से पहले उसका बर्थ हो गया हुआ है, ठीक है, प्री मेच्योर बेबी कह लो आप, प्री मेच्योर बेबी है वो एक, ठीक है, या कुछ उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी उस टाइम, या फिर कुछ भी मतलब उसको प्री नेटल स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उससे ये सेलिब्रल पाल्सी का रूप लेती है, ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन की
ये भी न्यूरोलॉजिकल ही डिसऑर्डर है, ठीक। इम्पेयर्ड मूवमेंट, जैसे पैरालिसिस होता है ना, मतलब पैरालिसिस में क्या होता है, बॉडी काम नहीं करती, मान लो उसके लेग्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बचपन से ही, जब से वो उसका बर्थ हुआ, वो उसकी वो चीज काम ही नहीं कर रही है, ठीक। तो ये इम्पेयरमेंट होती है, मूवमेंट में मुश्किल हो रही है उस बच्चे को, ठीक है, मसल टोन्स, पोस्चर, ये उसके अच्छे से काम नहीं करते इस डिसऑर्डर में, ठीक। तो आई होप आपको ये सब डिसऑर्डर समझ आ चुके हैं। ऐसे करने के लिए तो बहुत डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म है, ऑटिज्म आपको आई होप आपने सुना है कि ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म हो गया, तो ये सब चीजें, बट वही है, बहुत बड़े टॉपिक बन जाएगा और ज्यादा जरूर से ज्यादा जो पढ़ना नहीं है वो भी हम पढ़ने लग पड़ेंगे, तो वो नहीं करना, जितना जरूरी है वही करेंगे। मैं अब आपको एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आपको पता है कि चीज समझ आएगी। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, आर डिसऑर्डर, आई होप आपको वीडियो समझ आ चुकी है, आपको हर एक डिसऑर्डर समझ आया है। कोई भी डाउट रहेगा इस टॉपिक में तो बताना, और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक हैं, क्योंकि हर एक एक डिसऑर्डर है, तो एक डिसऑर्डर आप खुद ही समझो, इस पे तो कितनी ज्यादा रिसर्च हुई होगी किसी एक डिसऑर्डर पे, पर हमने उतना शॉर्ट में पढ़ना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक। तो आर डिसऑर्डर रिलेटेड टू, ये आपने आंसर देना है जल्दी से, जो भी आपको लगता है, मतलब आप अपने आप से आंसर दो कि आपको क्या लग रहा है। आर डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, बहुत इजी है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर कह लो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये, ठीक। क्या है ये लैंग्वेज डिसऑर्डर? इट इज अप्रेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया, मतलब वो उन्हीं के साथ में होता है टाइप, उनकी डिसलेक्सिया, स्पीच एक्सिया, ये क्या है स्पीच एक्सिया? अच्छा स्पीच एक्सिया, ओके, डिस फेजिया, प्रेक्सिया, फेजिया, फ, पी एच फ, ठीक, डिसफेजिया, प्रैक्सिया, दो चीजें हैं, दोनों में मत क्यों कंफ्यूजन हो, मुझे पता आपको डिसलेक्सिया समझ आ चुका है, आपको ग्राफिया समझ आ चुका है, आपको कैलकुलिया भी समझ आ चुका है, आपको कंफ्यूजन होगी, आपको तो डिस्प्रेक्सिया डिस्फेजिया में होगी, तो आपको मैं इसे से याद करवाती हूँ, जो फ है ना ये आपने याद रखना है, ये फ, फ मीन्स जो हम साउंड बोलना, तो बोलने से रिलेटेड तो लैंग्वेज यही होती है, तो डिस्फेजिया होता है हमारा लैंग्वेज से जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, ये है हमारा लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है, दिस दिस फिजिया, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें, अब ये देखो क्वेश्चन, ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मैं अपने हिसाब से नहीं लगा रही आपको, अपने अकॉर्डिंग मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला यहाँ पे, ये पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग एलडी इन अ, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, मोटर एक्टिविटी नहीं चल रही उस बच्चे को, मोटर मतलब देख लो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है ये, जो मोटर स्किल से रिलेटेड है, इट इज नोन एज, क्या है ये, एग्जाम्पल देखो इनकी, ऑप्शन देखो, सॉरी, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछेंगे, डिसलेक्सिया एंड डिसफेजिया, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, समझ रहे हो, जो मोटर स्किल से रिलेटेड है वो कौन सी होती है, ठीक। एक और चीज है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये वेरिएबल स्टेट है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ये नहीं कि ये एज सच रहेंगे, जैसे मैंने बताया क्योर नहीं भी होंगी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो सकती है, ठीक है। तो आपने याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटी इट इज अ वेरिएबल स्टेट है, ठीक। चलो ये आप, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई, ये वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी मतलब
जो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक, वेरिएबल है। अच्छा अब इस पे आओ कि लर्निंग डिसेबिलिटी ना मोटर स्किल इज नोन एज। अगर किसी के मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, देखो डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग 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 से रिलेटेड डिसऑर्डर, डिसफेजिया फॉर लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर, कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, प्रैक्सिया ये है आपका मोटर से रिलेटेड डिसऑर्डर, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है इसमें, मैंने बताया था ना आपको कोऑर्डिनेशन की बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में जब प्रॉब्लम आती है तो उसे हम कहते हैं डिसप्रैक्सिया। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको टॉपिक को आपको ऐसे याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग और लगाना नहीं है, बस आपको ये चीजें ऐसे याद करनी है, ये है क्या, ठीक। तो इसका आंसर था डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रही, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं आपका अच्छे से हो पा रहा है, ठीक। हाँ अब ये देखो बहुत डायरेक्टेड डायरेक्ट क्वेश्चन ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इसमें, ज्यादा कुछ घुमाया फिरा नहीं है। ऑर्थोपेडिकली ये देखो, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, आप आई होप आपको ऑर्थो का मतलब पता है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन दे आर लाइकली टू हैव, ऑर्थोपेडिकली चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चे मतलब जिनको वही बोन्स रिलेटेड होता है ये, तो मतलब मूवमेंट मूवमेंट नहीं ना हो पा रही, मूवमेंट से रिलेटेड कह लो आप, ठीक है, पर्टिकुलर मैं आपको बता रही हूँ मूवमेंट से रिलेटेड, तो उनको क्या हो सकता है जिनकी मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही है, जिनको अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, उनके उनमें कौन सी डिसऑर्डर पाया जा सकता है। कुछ बच्चे को मतलब ये इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उन बच्चे को कोई ऑर्थोपेडिकली कोई इम्पेयरमेंट है, तो उस बच्चे को क्या होगा, कौन सी उनके अंदर डिसेबिलिटी पाई जाएगी, तो वो होगी क्या, डिसलेक्सिया, मतलब वो चीजों को रीड नहीं कर पा रहा है, वो चीजों को देख नहीं पा रहा है, डिसग्राफिया, वो लिख नहीं पा रहा है, डिसथीमिया, डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा बच्चा, ठीक, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा वो नहीं होगा, जब हम ऑर्थो ऑर्थो का मतलब होता है ना, ऑर्थो का मतलब होता है बोन से रिलेटेड या फिर मूवमेंट, तो वो बच्चा लिख नहीं ना पा रहा, उसके हैंड मतलब काम नहीं कर रहे अच्छे से, तो वो उसके राइटिंग से रिलेटेड होगा, तो ऑब्वियसली उसमें एक ही चीज निकल के आ रही है इसमें वैसे कि डिसग्राफिया हो सकता है उस बच्चे को, ठीक है, राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक। मेरे ख्याल से तो यही आंसर है इसका, राइटिंग, हाँ राइटिंग डिसऑर्डर ही होगा इसका, डिसग्राफी। तो ऐसे कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपने समझना है कि ऑर्थोपेडिकल क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर एक बच्चे को आ सकता है, ठीक। क्योंकि वो देखो ना, ऑर्थो ऑर्थो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बोन से रिलेटेड, तो अगर वो मूवमेंट ही नहीं होगी उसकी तो वो काम कैसे करेगा, वो लिखेगा कैसे, तो ये चीज आपने समझनी है, ठीक है, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर आपको मैं टास्क देती हूँ ये लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप ये करके आओगे, ये करोगे कमेंट में आप, तो चलो मैं आप लास्ट क्वेश्चन एक आपको टास्क देती हूँ आज के लिए। हाँ चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका टास्क है, मैं ऐसे सब एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है ये क्या था। अब आपको ये क्वेश्चन जैसे ऑर्थोपेडिकली मतलब उस बच्चे की कुछ किसी भी चीज में उसको प्रॉब्लम हो रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि वो हैंड से उसको लिखना है ना, तो वो चीज उसकी क्या पता नहीं चल पाएगी, तो वो चीजें, ये चीज आपने खुद भी थोड़ा बहुत इसमें आपने अपने कॉमन सेंस भी लगानी है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए फिर आपको सोच में आ जाएगा भाई ऑर्थोपेडिकली तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, तो ये चीज आपने थोड़ा सोचना है कि ऑर्थो किससे रिलेटेड है, ठीक, तो उससे रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटी पाई जा सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है उस बीमारी की वजह से, ऑर्थो की वजह से, या उस बच्चे को पैरालिसिस कह लो, कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से उस बच्चे के लिए कौन सी चीज करने में मुश्किल आ सकती है, तो ये चीज आपने समझनी है, ठीक। हाँ तो ये है आपके लिए एक क्वेश्चन, ये तो देखो
लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसकी इसको छोड़ के सबसे हो, सब हर एक चीज लर्निंग डिसऑर्डर में आ सकती है, उसकी वजह से होती है. तो क्या है सेरिब्रल, ब्रेन का पार्ट है कोई एक पार्ट है उसके डिसफंक्शनिंग की वजह से, ठीक है, इसको कहते हैं सेरिब्रल डिसफंक्शन. इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब बच्चा इमोशनली उसको कोई प्रॉब्लम है, देखो हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन वगैरह सब साइकोलॉजिकल फंक्शन डिसऑर्डर्स है ना, तो वो भी बच्चे के साथ इमोशनली भी उस चीज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक. बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है बच्चे का बिहेवियर, ये सब बहुत सारे डिसऑर्डर्स निकल के आएंगे. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, तो ये भी है क्योंकि कोई उसने ऐसा ट्रॉमा सहा होगा, कोई ऐसा उसने कुछ इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ होगा जिसको मतलब वो एक बिहेवियरल डिसऑर्डर का रूप लेता है. तो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, क्वेश्चन ये इजी है, आपको ये समझ आ ही जाएगा आई होप. तो सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो ऑप्शन है सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक, ये हैं ऑप्शंस और आपने इसका देना है सही आंसर कमेंट में, ठीक. तो आपके अकॉर्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज इट मे अकर ड्यू टू ऑल, हर एक रीजन की वजह से बच्चे के अंदर लर्निंग सीखने में प्रॉब्लम आएगी, उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी हर एक चीज की वजह से, किसी एक को छोड़ के, वो आपने बताना है कौन सा है. तो ये था आज का टॉपिक, ये थी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं. डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया, डिसप्रैक्सिया, डिसफेजिया, ADHD, सेरिब्रल पाल्सी, ये सब जितनी भी ये सब बच्चे के अंदर डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो डिसेबिलिटीज का रूप ले लेती है, वो बच्चे को मुश्किल आती है बच्चों को समझने में, ठीक. तो हम ऐसे नहीं हैं, अब इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि हम अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी भी है उसको भी हमें इंक्लूड करना है, उसे भी हमें रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है, अगर उसको कुछ नीड्स है वो हमें केटर करनी है, वो हमें पूरा करना, उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि जैसे वो साथ में पढ़ेंगे उनके अंदर एक ना यूनिटी वाली फीलिंग आएगी, एक उनके अंदर कोऑपरेशन वाली फीलिंग आएगी, वो समझेंगे सब बच्चे हम सब सोसाइटी का पार्ट हैं, वो उनको अलग रखेंगे तो जो एक नॉर्मल बच्चा है वो समझ नहीं पाएगा उनकी जरूरतों को, जो एक नॉर्मल बच्चा है वो एक डिसेबल्ड बच्चे को नहीं समझ पाएगा अगर उनको हम अलग रखेंगे. अगर वही हम उनको ग्रुप में रखेंगे वो उनके बारे में जानेंगे, नॉर्मल बच्चा जानेगा कि वो डिसेबल्ड बच्चा, उसके लिए कोऑपरेशन आएगा, वो उसके लिए कोऑपरेट करेगा, उसके साथ कोलैबोरेट करेगा, उसके साथ कुछ पीयर ट्यूटोरिंग होगी, मतलब आपस में सब पढ़ेंगे एक साथ. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मतलब है कि हमें अलग अलग नहीं करना, सबको सेग्रीगेट नहीं करना, हमें चाहे लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हैं बच्चे को, हमें उसको साथ में ही पढ़ाना है, उन सबको हमें साथ में पढ़ाना है, चाहे उनकी कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो एक डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं. तो ये चीज़ आपने समझनी है. तो आई होप आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो समझ आ चुकी है, ये लेक्चर आपको समझ आया है. कोई डाउट रहेगा इनकेस इस टॉपिक में तो कमेंट करें. थैंक यू सो मच.